मुंब्रा से एटीएस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अब्दुल रज्जाक अब्दुल नबी मेमन 40 वर्षीय है। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंब्रा के रोशनी महल ठाकुरपाड़ा आनंद सोसाइटी बंगला नंबर 39 से अब्दुल रज्जाक को पकड़ा है। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड केस में यूपी एटीएस को अब्दुल रज्जाक मेमन की काफ़ी दिनों से तलाश थी और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड केस का 17 जनवरी 2021 को खुलासा हुआ था। इस मामले में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने तेलंगाना से प्रशांत पोटली नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। तभी से अब्दुल रज्जाक मेमन की तलाश यूपी एटीएस कर रही थी। दरअसल नोएडा से चीनी नागरिक टेंगली उर्फ ली टेंगली और जू जूफी उर्फ जुलाही को भी गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं से पूछताछ में प्रशांत पोटली और अब्दुल रज्जाक का नाम सामने आया था। इन लोगों की गिरोह ने यूपी के कई जिलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्री एक्टिवेटेड सिम को हासिल किया था और दोनों चीनी नागरिक एक्टिवेटेड सिम हरियाणा एनसीआर में कई होटलों के मैनेजरों को उपलब्ध कराते थे। इसके बाद कई ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलते थे और आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त पैसों को उन खातों में डालकर कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर लेते थे। एटीएस को अब्दुल रज्जाक मेमन के घर से उस समय तलाशी के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत भी मिले थे और आज मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में जब यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने छापेमारी की तो अब्दुल रज्जाक मेमन घर में बने महलिए पर लुंगी ओढ़कर छिप गया। मगर तलाशी के दौरान एटीएस ने अब्दुल रज्जाक मेमन को गिरफ्तार कर लिया है और मुंब्रा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अब्दुल रज्जाक को उत्तर प्रदेश एटीएस अपने साथ उत्तर प्रदेश ले जाएगी। लखनऊ एटीएस ने इस मामले में 419, 420, 467, 468, 471, 120 बा 66 डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।